अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मुल्की सियासत का मैच मेरे कप्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे कप्तान है कि बाउंसर्स पे बाउंसर्स फेंकते जा रहे हैं। यह अलग बात है कि गुज़िश्ता बरस से मेरे कप्तान के सारे बाउंसर्स ही नो बॉल हो गए, जिनका फ़ायदा मुखालिफ टीम को मिल रहा है। दर्जनों जलसे, सैकड़ों तकरीरें, लॉन्ग मार्च, कौमी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने तक मेरे कप्तान ने बाउंसर्स और यॉर्कर्स सभी को आजमाया, लेकिन अभी तक पीडीएम हुकूमत को आउट करने में नाकाम रहे। अपनी आज की तकरीर में भी मेरे कप्तान ने हुकूमत पर एक और बाउंसर फेंका है। सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर ले, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। बेहतर यह है कि बजाय हम तोड़फोड़ करें और सड़कों पर निकले, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। नाज़रीन, जेल भरो तहरीक की धमकियां तो मेरे कप्तान गुज़िश्ता अप्रैल से दे रहे थे, लेकिन इस धमकी पर अमल का ऐलान उन्होंने आज किया है। मेरे कप्तान को चूंकि जेलों की गुंजाइश का जेलरों से भी ज्यादा इल्म है, इसलिए वो जेल भरने को तैयारी किए बैठे हैं। इसे मकाफाते अमल कहें या मेरे कप्तान की पॉलिसियों की नाकामी कि अब मेरे कप्तान जो अपने कारकुनों को जेल जाने की तैयारी का हुक्म सादर कर रहे हैं, इससे पहले मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को जेलों में भेजने की वईद सुनाया करते थे। नाज़रीन, मेरे कप्तान के जेल भरो तहरीक शुरू करने के ऐलान पर हुकूमती तर्जुमान और वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने शदीद रद्द अमल दिया। यूं कह लें कि मेरे कप्तान के बाउंसर्स पर पुल शॉट खेल दिया। अगर जेल भरो तहरीक पे आप सीरियस हैं तो पहले उन बच्चों को, औरतों को जमान पार्क से हटाएं। तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। इमरान खान साहब, काफी सख्त अल्फाज थे। नाज़रीन, मेरे कप्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह सियासी मुखालिफ पर चाल को उनके आखिरी पत्ता कहते हैं, लेकिन मेरे कप्तान हर बात सरप्राइज देते हैं। जिस तरह उम्र अयार की जंबील से कोई ना कोई नई चीज निकल आती थी, इसी तरह मेरे कप्तान की जंबील से भी कोई ना कोई नया हरबा निकल ही आता है। तारीख के झरोकों में देखें तो तहरीक पाकिस्तान के दिनों में मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाई, जिसमें हज़ारों लोगों ने आज़ादी की खातिर जेल जाना कबूल किया। पाकिस्तान बनने के बाद ज़िया दौर में MRD की तहरीक चली। अगरचे MRD जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को हटाने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन इस दौरान जेल भरो तहरीक कामयाब हुई और इस दौरान 15,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। उस दौर में वाकई जेल भर गई थी और हुकूमत को बहुत सी जेलों में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा कैदी रखना पड़े। MRD की तहरीक को 4 अशरे गुजर चुके हैं और उसके बाद से अब तक कोई भी जेल भरो तहरीक बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने कौम और हुकूमत पर एक एहसान किया है कि उन्होंने मुल्की मईशत की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र हड़ताल, शटडाउन और पहिया जाम की कॉल नहीं दी। हुकूमत माने या ना माने, मैं तो कप्तान का यह एहसान मानता हूँ। मेरे कप्तान अगर कौम पर एक एहसान और करें तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दीगर सियासतदानों के साथ बैठ जाएं तो नफरतों और सियासी तकसीम की मारी कौम के हालात शायद बेहतर हो जाएं। मेरे कप्तान के इस ऐलान और हुकूमती रद्दअमल पर मेरे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान जेल भरने के ऐलान पर कायम रहेंगे या यू-टर्न लेने की रवायत बरकरार रखेंगे। सवाल नंबर 2, हमारे खित्ते में गुज़िश्ता 5 सदी में तहरीक पाकिस्तान और MRD के दौरान जेलें भरी गईं, क्योंकि ये दोनों तहरीकें बड़े मकासद के लिए थी। मेरे कप्तान के सामने दोबारा हुकूमत में आने के अलावा कौन सा अजीम मकसद है जिसके लिए वो अपने कारकुनों को जेल जाने की तलकीन कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान ने जेल जाने की हिदायत सिर्फ अपने कारकुनों को दी है या वो खुद भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? सवाल नंबर 4, ज़मान पाक में काफ़ी दिन से तहरीके इंसाफ के कारकुनों को इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मेरे कप्तान को गिरफ्तारी का खौफ नहीं तो मुख्तलिफ हलकों से सैकड़ों कारकुन वहाँ क्यों लाए गए हैं? सवाल नंबर 5, तहरीके इंसाफ के कारकुन 10 माह से सड़कों पर हैं, अब मेरे कप्तान उन्हें जेल भेजना चाहते हैं, क्या मेरे कप्तान को अपने खिलाड़ियों पर रहम नहीं आता? सवाल नंबर 6, फवाद चौधरी, आज़म सवाती और शहबाज गिल ने कुछ अरसे पहले ही जेल भुगती है, क्या मेरे कप्तान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान करने से पहले शेख रशीद, फवाद चौधरी, आजम सवाती और शहबाज गिल से मशवरा किया था? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान कौम के बेटों को जेल जाने की तलकीन कर रहे हैं, क्या वो अपने बेटों को लंदन से बुलाकर अपने साथ जेल ले जाना पसंद करेंगे? सवाल नंबर 8, तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप में से कितने लोग गिरफ्तारी देंगे या यह कुर्बानी सिर्फ कारकुनों से ली जाएगी? सवाल नंबर 9, 2014 में मेरे कप्तान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी जो कारकुनों के अदम तावुन के बायस नाकाम रही, अब जेल भरने की तहरीक कैसे कामयाब होगी? सवाल नंबर 10,
हुकूमत ने मेरे कप्तान के ऐलान पर जो रद्द अमल दिया है वो जलती पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या इस रद्द अमल को संजीदा और मुल्की मफाद के मुताबिक कहा जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मौजूद हैं मुस्तबिक ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब, मुस्तबिक नून से निहाल हाशमी साहब और सीनियर तज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। एजाजुल हक साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपके वालिद साहब के दौर के अंदर उनके खिलाफ ही जो है वो MRD की एक तहरीक चली थी, जेल भरो तहरीक, लेकिन उसको कहा जाता है कि पाकिस्तानी तहरीक में सबसे अगर कामयाब कोई तहरीक रही तो वो तहरीक थी। आप समझते हैं इमरान खान साहब की ये जो कॉल है इसको एक्चुअली लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने एक और कॉल 2014 में दी थी सिविल नाफरमानी की, वो तो बहुत सख्त नाकाम हुई थी। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जो इंट्रो है उसके बाद तो मेरे ख्याल में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं कि किस तरफ आप प्रोग्राम को ले जाना चाह रहे हैं। ये MRD की तारीख नहीं थी, मैं थोड़ी सी आपकी तारीख सही कर दूँ। जो 1977 में तहरीक चली थी नफाज इस्लाम की और ख़त्म नबूवत की, उसमें जेल भरो तहरीक चली थी और हज़ारों नहीं लाखों कारकुन जो थे वो जेलों में थे। MRD की तहरीक तो सिर्फ महदूद थी एक सिंध के एक हिस्से तक, वो पूरे पाकिस्तान में फैल ही नहीं सकी थी और इतनी जेलें भरी भी नहीं गई थी उस वक्त, बहुत कम लोग थे जो जेलों में गए थे। वो तहरीक थी जो 1977 की, शायद उसको आपने पढ़ा नहीं या देखा नहीं या उस वक्त आप इतना प्रैक्टिकली थे नहीं इसमें तो आपको पता हो, तो ये मैं आपको थोड़े से हकायक नहीं सर, मैं पैदा नहीं हुआ था सर, 79 में पैदा हुआ। दूसरी बात मैं ये करूँगा, वही तो मैं कह रहा हूँ 79 में पैदा हुआ तो फिर तो आपने 77 की तारीख तो नहीं ना देखी। और सर वो मैं बात जो है वो 2-3 साल का ही होता सर जी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इसलिए फिर आपने कहीं पढ़ लेना था बोलने से पहले। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ी हुई है सर, जो कॉलेज में सर हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हुई है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ी हुई है सर, आप हुकुम करें। नहीं नहीं, बाकी जो आपके साथ दो को एंकर्स हैं वो आप ही अपनी बात में सब कुछ वाजे कर देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, क्या ये मुल्क मुतमल हो सकता है इस किस्म की गुफ्तगू का, इस किस्म के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का, इस किस्म की एक तशद्दुद अंगेज़ फ़ा को पैदा करने का, कि मतलब हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं और कितने मुश्किल मसाइल हैं बैन अवी भी और कौमी मसाइल जो हैं मुल्क के अंदर, इस वक्त एक कंसेंसस की ज़रूरत है और उस कंसेंसस को पैदा करने के लिए। अब आप कहेंगे जी कि खान साहब ने कहा कि मैं APC नहीं अटेंड करूँगा, तो हर काम के लिए कोई माहौल पैदा करना पड़ता है, उस माहौल को पैदा करने के लिए हकूमत को इनिशियटिव लेना पड़ता है, ऑपोजिशन को नहीं। ठीक है, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। आप लोगों को साथियों को कैद में डाल दें, उनके खिलाफ आप FIR कटवा दें और आप कहें जनाब के आएँ अब बैठकर मेज़ पर हम खाना इकट्ठे खाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस वक्त ज़रा सोच कर हकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, हकूमत को चाहिए कि वो अपने दिल को बड़ा करें। और ये जो शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, जो मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, जो दीगर हमारे दोस्त कह रहे हैं, उनकी बात को ज़रा गौर से सुने कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इन चीज़ों का सरेआम जो है वो ऐलान कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़ा को बेहतर बनाएँ और माहौल को बेहतर बनाएँ ताकि मुल्क को इन मसाइल से हम निकाल सकें। अब जेल भरो ना भरो उससे कोई मुल्क को ना फ़र्क पड़ेगा, ना हमारी मईशत ठीक होगी, ना हमारे अमन व अमान ठीक होगा। इस वक्त बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं हमारे, ये छोटी छोटी बातें हैं कि इक्तदार में कौन आएगा कौन चला जाएगा, ये इशू नहीं है इस वक्त। इशू इस वक्त है कौम की, मुल्क की सर्वाइवल का, और उसके लिए हमें थोड़ा सा एक बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए जिससे कि हम आगे की तरफ जा सकें। नहीं तो इसमें जा सब रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर कानूनी तौर पे, मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब ने, क्योंकि जहरी बात है इस वक्त जेल के अंदर वही हैं, अगर हम सिर्फ उनको उनकी एक एग्जांपल ले लें तो जो अल्फाज वो जिस तरह के इस्तेमाल किए उन्होंने और इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, तो मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर जो है इसको दरगुजर कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए और ताकि साजगार माहौल बन सके, ये आपकी राय है? देखिए आसिफ अली जरदारी साहब इन छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं करते हैं, किसी और ने इसको माइंड कर लिया या हुकूमत ने माइंड कर लिया, उनका दिल ज़रा बड़ा है, उन्होंने बहुत सी मुश्किलात भी देखी हैं और मेरे ख्याल में कि वो मुल्क के सदर भी रह चुके हैं,
तो इतना नीचे गिर करके किसी ने अगर कुछ कह दिया और किसी को कोट करके कह दिया तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि आप उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम डाल दें, बाकी चीज़ें डाल दें। मैं कहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि उससे मज़ीद ख़राबी पैदा होती है। लेकिन इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा करना, एक एक MNA को जो कि मतलब कौमी असम्बली का मुतद्दद मरतबा यानी 6-7 मरतबा 8 मरतबा जो MNA रह चुका हो, जो मतलब ख़ुद कहते हैं कि मैं 16 मरतबा वज़ीर रह चुका हूँ, उसको आधा कर दें तो मेरे ख्याल में वो ठीक रहेगा, कि उनको हथकड़ी लगाना, उनके मुंह को कवर करना ले जाना, ये आप गलत पैगाम दे रहे हैं। ये ऑप्टिक्स ठीक नहीं है आपकी, ये आप अपनी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, बैरून मुल्क में आप उसका एक गलत तासुर पैदा कर रहे हैं। तो ये बेहतर है कि ये और बहुत से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनसे ये मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को पकड़ कर आप अंदर बंद कर दें और फिर उसके ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दें। मुझे दुख हुआ उस दिन कि वो लोग जो माजी के अंदर जिन पे झूठे मुकदमात बनते रहे और उन्होंने ख़ुद कहा भी कि हम पे झूठे मुकदमात बने हैं, उन्होंने जब शेख रशीद को पकड़ा तो जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उन लोगों ने, जो इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का आजकल उनके पास मतलब के वो कर सकते हैं जो चाहें, FIA उनके अंडर है, नेक्टा उनके अंडर है, सारी चीज़ें उनके अंडर हैं, तो इस किस्म के मतलब ज़ाती बयानात देना, ऑपोजिशन में तो कुछ कह देते हैं लेकिन हुकूमत में बैठ कर मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसी बातें करना ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा पैगाम नहीं देता। निहाल हाशमी साहब, सर ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इमरान खान साहब ने जो है वो एक अल्टीमेट कार्ड जो है वो अब खेल दिया है, आप लोग तो अपनी मर्जी से जो है लोगों को जेलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब ये यही करना है तो फिर मैं खुद ही इसका ऐलान कर देता हूँ। कारकुनों की सर एक बहुत बड़ी तादाद, सुनामी आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, जेलें भरना वो शुरू कर देंगे, आपके लिए सर मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। और एजाज़ुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि पहले सबसे पहले इसके लिए एक साजगार माहौल बनाया जाता है, आप लोग वो नहीं कर रहे, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंसूर भाई, जेल भरो तहरीक की एक फ़िलासफ़ी है, उसमें सबसे पहले तो जो जो लोग ज़मानत पे होते हैं वो अपने श्योरिटी पेपर जो बाउंड्स हैं उसे कैंसिल करें और अदालत को ये कह दें कि हम ज़मानत पे रिहा नहीं होना चाहते, हम अपने ज़मानत के कागजात वापस लगते हैं, हम प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं। एक तो वो चीज़ है, दूसरा जेल भरो तहरीक में ये होता है कि ब्रिज करते हैं जब आप 147, 148, 149 और इसी तरह फिर पुलिस लगा देती है 353 वगैरह, तो वो चले जाते हैं अनलॉफुल असेंबली और ये दिस डैट। तो ये इसकी जो फिलॉसफी है वो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ये है आमरियत के ख़िलाफ़, जहाँ पर जमहूर के पास आवाज़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था, जहाँ पर इमरजेंसी हो या मार्शल लॉ हो, मगर जब जमहूरी हुकूमत होती है तो उसके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और ये आमरियत में भी ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किए गए और उसकी कीमत अदा की सहाफ़ियों ने। सबसे ज़्यादा जो जमहूर के लोग प्रेस क्लब में जाते थे, वहाँ पे तकारीर करते थे, सेमिनार करते थे, जेल भरो तहरीक के लिए भूख हड़ताल करते थे और वहाँ से कई वक्तों में उनको उठाया जाता था, प्रेस के नुमाइंदों को भी उठाया जाता था। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म देता है वो क्लब प्लेटफॉर्म जो बार है, वहां पे जाकर के उस दौर में किया जाता था। सर इम्पैक्ट बता देना, ये तो आप हिस्ट्री में बताना शुरू हो गए निहाल साहब। जी नहीं, अगर किसी को जेल में अगर वो समझते हैं कि वो आसुदा रहें, वो ठीक रहें, उनकी सिक्योरिटी ठीक हो, तो कोई शक कोई कॉज तो हो ना जेल जाने का। कॉज क्या है? क्या कॉज ये है कि इस मुल्क के अमन को खत्म कर दिया जाए? कॉज ये होना चाहिए कि इस मुल्क में अमन होना चाहिए। इस मुल्क में अब दो लोग हैं, एक है जो अमन के साथ खड़े हैं, एक लोग हैं जो बदअमनी के साथ हैं, एक कहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, एक कहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। तो ये तो वो अमेरिकन जो कॉलिन पावल की बात है, अदर यू आर निहाल साहब बड़ी माजर के साथ बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू आप दे रहे हैं इस सारी सिचुएशन का। सर आपके दौर के अंदर यहाँ पे साफियों के खिलाफ जो है मुकदमे होते हैं, साफियों को गिरफ्तार किया जाता है, आपके मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ इस तरह मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, फवाद चौधरी के मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाता है, हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती है, ऐसा लगता है जैसे उन्हें निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाकई एजाज़ुल हक साहब ये बात तो सही कह रहे हैं कि आप लोग भी जो है वो इस आग को बुझाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, मैंने आपके प्लेटफॉर्म से पहले भी कहा कि फवाद चौधरी साहब के मुंह पे कपड़ा नहीं डालना चाहिए था
और कोई भाग नहीं रहा कि आप हथकड़ी डाल दें, किसी के मुंह पे आप कपड़ा ना डालें। ये जो हमारी पुलिस या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं या जो हमारे दीगर लोग जो तफ्तीश, ये उनकी ख्वाहिशात होती है। ये नज़र आता है कि जमहूर और आइन बहुत कमज़ोर और बेबस नज़र आता है, और जो हमारे सरकारी अहलकार हैं वो ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं कि वो तस्दीक करते हैं। और हमें सोचना पड़ेगा सियासतदानों को, हमने अगर लॉ को ब्रिज किया, क्योंकि हम सिविलियन है, अगर कोई आमरियत पे ब्रीच हो तो उसकी इतनी पकड़ नहीं होती, मगर हम जो आलमबरदार बनते हैं पार्लियामेंटेरियन बनते हैं, हमें ब्रीच नहीं करना चाहिए। आप एक काम करें नियाल साहब, आप एक काम करें, आप अभी यहाँ पे ऐलान करें कि मैं बतौर मुस्लिम नून के रहनुमा मैं ये इस बात का मुतालबा करता हूँ कि फवाद चौधरी के मुंह पर जिस शख्स ने भी कपड़ा डाला है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। मैं अभी टिकर चलवा देता हूँ, न्यूज रूम हमारा ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, हम अभी आपके नाम से हेडलाइन चलाते हैं, करें डिमांड करें इस बात की। वो हुजूर मैं, आप फवाद चौधरी कह रहे हैं, मैं कहता हूँ सियासी कारकुनों के साथ हद तक इज्जत रवैया नहीं होना चाहिए और सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बात यह है कि हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए, और देखिए हम नहीं करते हैं सियासी लोग, ये वो अहलकार करते हैं जो हर दौर में जिनको इस्तेमाल किया जाता है, यही तो इस मुल्क का अलमिया है कि फिर दस्त ग्रेन हम होते हैं, हमें सोचने की जरूरत है। खान साहब को यह सोचना चाहिए, खान साहब को बिल्कुल हर किसी के खिलाफ जिसने भी देखिए जिसने भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन की है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मुकदम पाकिस्तान का शहरी है, उसके हुकूक है, आप भले आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 10 हो, आर्टिकल 19 हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको आप तजदीक नहीं कर सकते और उसको मुर्दी में नहीं गर्दान सकते जब तक के उसके खिलाफ तमाम सबूत के साथ तमाम कोर्टों से वो साबित ना गया हो गया हो कन्विक्ट। मैंने आइन कहता है ही इज इनोसेंट एज माने अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो ये हमारे मीडिया, एक मिनट, आप मीडिया, आपके मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप मुजरिम को मुजरिम रहने दें, उसको मुलजिम ना बनाएं, उसको कन्विक्टेड ना बनाएं, उसकी तहजीक ना करवाएं। आप लोग भी तो दिखाते हैं, हमारे मजाक उड़वाते हैं, कहीं देख खुल गया, हम सियासी कारकुन कैसे टूट पड़े, कभी मुंह पे कपड़ा डाल दिया, कभी गुत्थम, तो आप भी थोड़ी हमारी रहनुमाई कर दें, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ हमें ले जाने में हमारी मदद। सॉरी नियाल साहब, मुझे बात नहीं समझ आई, क्योंकि अब आपने मीडिया की बात की, जरा दोबारा समझाएं इस बात को, क्या कहा आपने? मैं ये कहता हूं कि मीडिया भी हमारी रहनुमाई करे कि सियासी कारकुन जब एक दूसरे से दस्त गिरबा होते हैं, खाने का देख खुलते हुए खाने पर टूट पड़ते हैं, केक लूटते हैं, या सर थोड़ा सा आप हमारी तरबियत तो करें कि माजी में हमारे अकाबरीन क्या करते रहे, मोहम्मद अली जिना के बाबा कौम के वक्त में क्या होता था, उसके बाद लियाकत अली खां के दौर शरवर्दी के अच्छी चीज़ें दिखाएं ताकि हमारी तरबियत हो सके, और उन अहलकारों को ही बताएं कि निशाने इबरत बन जाते हैं जो लोगों पर जुल्म करते हैं। भाई जान, तरबियत तब होगी जब आप खानदानों की सियासत से बाहर आएंगे, पहले अपनी पार्टियों के अंदर पोलिटिकल कल्चर जो है उसको ठीक कीजिए, तरबियत तब खुद ब खुद शुरू हो जाएगी जब हर सियासी खानदानों की 25 साल की स्ट्रगल के बाद। नहीं नियाल साहब, मेरी बात कंप्लीट होने देना, सुने अब आपने चुके बात की है, अगर आप ये समझें कि जी 20-25 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद एंड में आपकी पार्टी के अंदर एंड में सरबरा शरीफ नहीं बनना है, या फिर उनके बच्चों ने बनना है, या फिर उनके पोतों ने बनना है, तो किस किस्म की आप उसकी सियासी तरबियत करेंगे? आप नो मैटर व्हाट हैपेंस, उसको उसकी सियासी तरबियत राजा दफुल्लाह साहब हमारे चेयरमैन रहे, जावेद हाशमी साहब हमारे सदर रहे ना, हमारे मोहम्मद वासिफ की फैमिली से भी बाहर लोग चले, कितने जावेद हाशमी, जावेद हाशमी पार्टी में है इस वक्त उनके पास राजा दफुल्लाह आज भी हमारे पार्टी के चेयरमैन है। कारकुन जिसको चाहता है ना, कारकुन जिसको चाहेगा, पार्टी जो मुतहरिक करती है, मरियम अगर मुतहरिक कर रही है, उसके साथ कारकुन खड़े हुए, उसके साथ फॉलोइंग है, उन्हीं को बताएंगे ना। आपके दिल में कोई गिल्ट है तो आप मरियम की तरफ लेके जा रहे हैं, मैंने तो मरियम का नाम नहीं मेरे, आप देखिए इंडिया में कांग्रेस की 5वीं, देखिए सियासत करना कोई आसान काम नहीं, बड़े हमने भी रेल और जेल और धक्के और गालियां और मुक्के खाए और बड़े नुकसानात हमने भी उठाए, मगर इस वतन के खातिर हम तजारत करने के लिए नहीं आते, बात हो जाएगी, जो लोग तजारत करने पे आते ये बात उनके लिए है, हमारे लिए जैसे वर्किंग क्लास के लोग हैं। अच्छा चलें, सना बुच्चा साहबा, बात शुरू हुई थी जेल भरो तहरीक की तरफ, निहाल हाशमी साहब इनका फेवरेट टॉपिक है मीडिया की तरफ ले आए, कितना इम्पैक्ट आएगा जी, खान साहब ने जो कॉल दी है हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, या क्या किस तरह देखती हैं आप?
मैं आपके सवाल के जवाब से पहले अगर एक बात कर लूँ तो देखें, वो जेल की जो इस्तलाह है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, जेल जाने वाला नेल्सन मंडेला होता है, उसके बाद जो जेल में होता है वो कहता है जेल मेरा कंगन है, तो ये कंगन के लिए ज़मानत क्यों देते हैं, कंगन पहनने में इनको क्यों आर है, और अगर वो नेल्सन मंडेला हैं तो उनको अपनी ज़मानत की फिक्र इतनी क्यों थी। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आपको होलियर देन दाओ भी बनना है, जेल भी जाना है, जेल भी भेजना है, जेल आपको पता है कि कोई अच्छी जगह तो नहीं है रहने के लिए, और अगर आप कारकुनों को कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला हो जाते हैं कुछ जेल जाने वाले जिनके मुंह पे कपड़ा डालता है वो तो अपने आप को नेल्सन मंडेला कहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जो दर्द हमारे दिल में जागता है सबके लिए वो उनके लिए क्यों नहीं जागता जो अरसे से सालों से प्रेस क्लब में आके बैठ जाते हैं और अपने मिसिंग पर्सन के बारे में पूछते हैं, उनके ऊपर हमारी नज़र क्यों नहीं जाती। अगर हमें इतनी तकलीफ हो गई कि फवाद चौधरी साहब की बेगम साहिबा अपने दो बच्चियों को लेकर हाथ उनका पकड़ के खड़ी हैं, तो हमारी नज़र वहाँ क्यों नहीं जाती जहाँ अरसे से एक बूढ़ी माँ, अरसे से एक छोटी बच्ची, एक छोटा बच्चा, मतलब कितने अरसे से बैठे हैं प्रेस क्लब में, 40-40 दिन की भूख हड़तालें हुई हैं इस मुल्क में, हमने तो कभी नजर नहीं डाली, तो हमारी जो नज़र है वो इस तरफ क्यों जाती है। जहाँ तक जेल भरों की तहरीक है जी, इमरान खान साहब कहेंगे आवाम को खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सड़कों पर आ जाओ, वो सड़कों पर आ जाएंगे, वो कहेंगे जी दिन है, वो कहेंगे जी दिन है, कहेंगे जी रात है, आपको कहेंगे जी रात है, और वो कहेंगे जी जेल भरो तो वो जेल भर देंगे। कोई जेल अच्छी जगह नहीं है जाने की, और कोई नेल्सन मंडेला नहीं बनता जेल जाने से, माजरत के साथ, और ना ही फवाद चौधरी साहब। और मुझे तो बहुत तशवीश है कि कल फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारे दौर में कब हुआ ऐसा, हमारे दौर में तो कभी किसी को पकड़ धकड़ नहीं हुई, हमने तो कभी किसी को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं गिरफ्तार किया, हमने तो कोई भी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। मतलब मुझे तशवीश है कि हमें पता करना चाहिए, सबसे पहले इंक्वायरी की जाए कि फवाद चौधरी के सर पर कोई चोट तो नहीं लगी थी, उनको कोई तशद्दुद में हो सकता है एमनीजिया उससे हो गया हो, याददाश्त भी चली जाती है कभी कभार, तो अगर दोनों ने कहा कि उन पर कोई कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है शायद सर पर कहीं चोट तो नहीं लगी उनके। सना साहिबा मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आई वांट यू टू डिस्क्राइब दिस थिंग, क्योंकि जारी बात है फवाद अभी जेल से होके आए हैं, मैं जरा इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग फवाद साहब की इस बात के बाद जो है वो सिंपथाइज भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह अभी आपने भी एक कंपैरिजन दिया कि जनाब ये भी कंपैरिजन है, जरा उसके ऊपर भी बात करते हैं। इजाजुल हक साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी सियासत उन्होंने भी देखी है, किस तरह देख रहे हैं सारी चीज़ को, मजीद बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस, नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सना बुच्चा साहिबा जिक्र कर रही थी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी का, और उसके बाद वो जो एक क्लिप सामने आया था उसके ऊपर बात कर रही थी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा। सना साहब आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं इजाजुल हक साहब के पास भी जाना चाहूंगा जी। बस मेरी बात कंप्लीट हो गई, मैंने कहा एक तो जेल की इस्तलाह को दुरुस्त कर लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कोई जेल जाने से नहीं बने थे, वो अपने तर्ज़ गुफ्तगू, अपने तर्ज़ ज़िंदगी, अपने रवैये, अपनी सोच के मुताबिक बने थे, नेल्सन मंडेला कोई जेल जाने से नहीं बनता। दूसरी बात यह कि फवाद चौधरी साहब के साथ जो हुआ मैं उसको कंडेम पहले भी करती रही हूँ, आज भी करूँगी, जो पिछली हुकूमत में इन्होंने किया, जो आज ज़ेर हुकूमत हैं उनके साथ, वो भी कंडेमेबल था, बल्कि वो ज़्यादा कंडेमेबल था, लेकिन दोनों का मवाजना नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ लिस्ट बड़ी छोटी है और वहाँ लिस्ट बहुत लंबी है। वहाँ 80-80 दिनों की, 90-90 दिनों की रिमांड पर दिया जाता था, यहाँ तो 9-9 घंटे 10-10 घंटे तक तो केस का फैसला ही नहीं हो पाता कि रिमांड देनी है कि नहीं देनी, तो एक दिन तो आपका अदालत में गुजर जाता है रिमांड में, वैसे ही एक दिन की कमी हो जाती है। तो मेरा यह ख्याल है कि ये मवाजना करना गलत है, लेकिन वो भी गलत था, ये भी गलत है। लेकिन इस तरह से हम जो एक अली वजीर साहब के हवाले से कोई बात नहीं करता, प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी होते थे उस वक्त, खाकान अब्बासी साहब बड़ा चिल्लाते थे, उस पर अब कोई बात नहीं होती, आप लोग तो पार्लियामेंट में भी नहीं है, आपके साथ तो वो भी नहीं हो रहा जो इनके साथ हो रहा था, ये पार्लियामेंट में रहते हुए, जेल में होते हुए पार्लियामेंट में बैठने के लिए ये अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स का इंतजार करते रहते थे। सो ये जुल्म की जो दास्तान है बड़ी लंबी है, ये जो जेल भरने हैं वो पहले तो बता दें कि इनके अपने कारकुन, जैसे आपने भी पूछा था कितने लोग जाएंगे, अपनी हुकूमत अपने पीटीआई को कहे ना कि आप चले अपने देते हैं जेल भरते हैं अपने आप से, उनको तो आप कह नहीं रहे, हर चीज तो आप आवाम के ऊपर डाल देते हैं, आपकी अपनी पार्टी को कहें, उनको कह रहे हैं इलेक्शन की तैयारी करो, जेल भरने के लिए माशाल्लाह कारकुन मौजूद है। इजाजुल हक साहब, ये इसमें सना साहिबा ने भी ये सवाल किया और इसमें एक मेरा भी इस पर सवाल मैं पूछना चाहूँगा। सर, ये सियासी लीडर्स अक्सर जो है वो इस किस्म की कॉलें कारकुनों के लिए तो दे देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है या अपनी फैमिली, अपने बच्चों की बारी आती है तो उनको पीछे कर लेते हैं, बेहतर नहीं है सबसे पहले ज़रा खुद और अपने बच्चों को तो सामने लेकर आए ना, बाकी कारकुनों के या अपनी कौम के दीगर बच्चों से बर्बाद में दरख्वास्त कर लें। देखें, पहले तो मैं सबसे निहाल हाशमी साहब का कहूँगा कि उन्होंने जो बात की है, एक सियासी वर्कर के और एक वकील होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, और सना बुच्चा साहिबा ने भी कहा कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, कि उन्होंने भी गलत किया था, इन्होंने भी गलत किया था, अब हमें ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि हम वो रास्ता जो है उसको सही निकालें।
तो ये तो सब देखें, ये पॉलिटिकल गुफ्तगु होती है, जेल भरो, तहरीक चलाओ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स में ये भी कहते हैं जी कि मैं उसको उठा के बहर अरब में फेंक दूंगा, तो ये मतलब नहीं है कि आप उठा के उसे फेंक देंगे। जेल भरो किस वजह से भरो, ऐसे तो नहीं उठा के ले जाएंगे ना आपको, आप कुछ गलती करेंगे तो आपको पकड़ेंगे ना, या आपको जुलूस निकालें या दफ़ा 144 को तोड़ें, मतलब कोई ना कोई तो कानून तोड़ना पड़ेगा ना। जब हमें पकड़ा गया था, हम जब जेल गए थे तो हमने दफ़ा 144 को तोड़ा था, और वो ऐसे तोड़ा था कि हमने मतलब कहा था कि पहिया जाम करेंगे, उन्होंने दफ़ा 144 लगाई थी, हमने तोड़ा, उन्होंने पकड़ लिया। कोई बहाना तो होना चाहिए ना, अब ऐसी थोड़ी मैं जाके चौक पे खड़ा हो जाऊँ जी कि मुझे जेल में डाल दो तो वो उठा के जेल में डाल देंगे, तो ऐसी भी बात नहीं है कि ये ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। देखिए हमें अब, मैं फिर से एक मरतबा कहूँगा बड़े मुदबाना तरीके से, कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, और उन गलतियों का अजाला करते हुए हमें आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, इसको जेल में डाल दो, उसको निकाल दो। तो ये एक अच्छा मतलब पैगाम नहीं जा रहा इससे, मतलब हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पर सब बैठ जाए। और मैं समझता हूं सर, अगर मैं पूछूं कि दोनों साइड्स को, हुकूमत और अपोजिशन को, एक दो काम ऐसे क्या करने चाहिए, आपकी क्या तजवीज होगी सर? देखें मैं ये कहूंगा कि देखें इस वक्त एक मसला बहुत बड़ा APS के बाद जो पेशावर का साने हुआ है, ये एक बहुत बड़ा साने था। इस पे मैं समझता हूँ कि किसी थर्ड पार्टी को, यानी अगर अपोजिशन और हुकूमत नहीं बैठ सकते तो किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट करना चाहिए था, यानी कोई भी हो सकता था, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, वो दावत दे कि भाई आए हम बैठें इस पे के बातचीत करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सवाल है। दहशतगर्दी जो है इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, अफवाज पाकिस्तान के 7,000 लोग शहीद हुए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल से लेके ये मेरे घर के बिल्कुल सामने परेड ग्राउंड के अंदर मेरे दोस्त थे, वो पोलो प्लेयर थे जनरल साहब, वो शहीद हुए, और जनरल यूसुफ जो वाइस चीफ रह चुके हैं, वो मतलब बड़ी मुश्किल से अपनी मस्जिद से अपने घर की दीवार टाप कर अंदर आए और उनका बाजू टूट गया। तो ये चीज़ें हम सारी देख चुके हैं, अपनी आँखों के सामने हम देख चुके हैं धमाके होते हुए, तो दोबारा हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होना चाहेगी इस मामले के अंदर, क्योंकि वो तो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हैं। क्या आपको इस किस्म की कोई मैसेजेस मिले हैं सर, या कोई फिलर्स मिले हैं कि वाकई एस्टैब्लिशमेंट अपना कोई किरदार अदा करेगी इस मामले में? देखें नहीं, देखें पाकिस्तान की जब बात आ जाए तो देर इज नो बडी ए पॉलिटिकल। जब पॉलिटिक्स की बात आएगी, इलेक्शंस की बात आएगी, आपस में लड़ने झगड़ने की बात आएगी सियासतदानों की, तो आप बिल्कुल उसमें हिस्सा ना डालें। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान की साख की बात आएगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आएगी, तो फिर तो कोई ए पॉलिटिकल नहीं है ना, ना मैं ए पॉलिटिकल हूँ ना आप ए पॉलिटिकल हैं अपने मुल्क के लिए। तो हम सबको चाहिए कि हम कोई ना कोई इनिशिएटिव ऐसा लें जिससे एक कंसेंसस इवॉल्व हो सके, ताकि हम चंद एक चीज़ें जो हैं हमारी उस पर हम एक नुक्ते पर हों, एक पेज पर हों, बाकी लड़ते रहें आपस में सियासी। जब इलेक्शन आएंगे, जब भी इलेक्शन आएँ तो इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे आप। हाँ, ये पॉलिटिकल ये इंश्योर करें कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों इस मुल्क के अंदर, और फिर मैं समझता हूँ कि सारे मामला, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक, मुझे इजाज़त दीजिएगा निहाल साहब, इस वक्त ये चूँकि इलेक्शंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका इजाज़ साहब भी जिक्र करें। सर, आपकी पार्टी से इस किस्म के रूमर्स आ रहे हैं कि लग नहीं रहा आप लोग इलेक्शन कराने के मूड में, ये जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हैं पंजाब और KP के, डेटे नहीं दे रहे आप लोगों के गवर्नर्स, तो लग ऐसा रहा है इससे तो माहौल और ख़राब होगा सर। मंसूर साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं अर्ज़ करता चलूं आपसे भी और इजाज साहब से मुआतबाना, कोई गुंजाइश नहीं है इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशी का किसी को लेके बैठाने का, वो सरकार के पेरोल पे टैक्सेस पे उनका चलता है, उनको नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे कौन आना चाहिए, तो एक तीन ऐसे फोरम्स हैं जिनको आना चाहिए। एक को तो इमरान खान साहब ने डिमोलिश कर दिया पार्लियामेंट को और दोनों पंजाब असम्बली और KP को, मगर दो और फोरम बचते हैं, एक फोरम है वकला का जो जुरिस्ट है उसका, और दूसरा है मीडिया का। पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट प्रेस क्लब्स हैं, पाकिस्तान के जो नेशनल प्रेस क्लब है, पाकिस्तान को जो APNS वाले हैं, पाकिस्तान के जो दीगर लोग हैं, आपके जैसे ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट है, वो PFUG वाले कर सकते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल कर सकती है, मगर इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का इसमें कोई रोल नहीं।
सर एक सवाल सुन लीजिए, ये भी आपने फरमाया कि जी इनका काम नहीं है एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का कि ये बीच में इस मामले के अंदर आए, तो सर पहले जब वो आते थे तो तब आपको उनका बीच में आना क्यों पसंद था इतना? मैं खुल के मैं बात कर देता हूँ कि मैं डेट आपको बता देता हूँ, 26 मार्च 2022, मैं आपको तारीख दे रहा हूँ, 10 अप्रैल को इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, 26 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के अंदर एक मेस के अंदर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, जनरल बाजवा के साथ किस बात के मुज़ाकरात कर रहे थे सर? मेरे इल्म में इस बात के मुज़ाकरात का नहीं, ना मुझे किसी ने इस पर बताया है। मैं समझता हूँ अगर जो लोग भी कह रहे थे वो गैर मुनासिब चीज़ें कर रहे थे। सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होनी चाहिए, आइन और कानून। मैं एक बड़ा सादा सा वर्किंग क्लास का वकील हूँ और मैं ईमान के हद तक ईमान रखता हूँ कि पाकिस्तान अगर आगे बढ़ेगा तो आइन और कानून के मुताबिक, कोई अपने डोमेन से निकल के बाहर ना खेले, कोई भी हो, कोई, ये सबसे बड़ा है। पाकिस्तान हर इदारे से बड़ा है, पाकिस्तान हर लीडर से बड़ा है, कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है। अगर कायद आजम बाबा कौम नहीं थे तो भी पाकिस्तान चलता रहा। तो जो लोग किसी मेस में बैठे हों या किसी बार में बैठे हों, किसी पार्लियामेंट, किसी भी जगह बैठे हों और वो समझते हो कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े, नहीं, सबसे बड़ा पाकिस्तान है और उसके बाद पाकिस्तान का आइन है जो उसको लेके आगे। हमें नहीं चाहिए अपने इदारों को मिलाएं। बात कंप्लीट कीजिएगा, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। नाज़िम प्लीज स्टे विद अस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले निहाल हाशमी साहब ये फरमा रहे थे कि तीसरा फरीक कौन हो सकता है सारे मामले को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने कहा ना इसमें एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, ना इसमें अदलिया हो सकती है, लेकिन दीगर फोरम्स हैं, उसमें पार्लियामेंट का हो सकता था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, मीडिया हो सकता था, लेकिन इमरान खान साहब इन सारी जगहों पे हैं नहीं। सना बुच्चा साहब, मेरा आपसे ये सवाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख को रियलिटी चेक अगर किया जाए तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ने अपना एक किरदार अदा किया है मामला को रिजॉल्व करने के लिए, क्या अभी भी उन्हीं को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा या किरदार अदा करना चाहिए आपकी नज़र में? मंसूर भाई, मैं तो हाथ जोड़ूंगी कि प्लीज़ जो उन्होंने सुधारने की कोशिश की उसको मज़ीद बिगाड़ी गए, इसलिए मेहरबानी करके प्लीज़ जितना हो सके दूरी रहें इन मामलात से, इन्हीं को भुगतने दें, इन्हीं को करने दें, इनको अपने पैरों पे खड़े होने दें। ये जो हमारे सियासतदान हैं ये अपने अपने केसेस ज़रा माफ़ करा के जब ये खड़े हो जाएंगे और ये पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की कोशिश में लग जाएँ तो तब तक प्लीज़ आप मेहरबानी करके ज़रा दूरी रहें। लेकिन ये बात हो नहीं पाएगी ना, क्योंकि इस मुल्क में एक जो रवायत रख दी गई है उसको कौन तोड़े। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब रहे हैं ये इनके ऊपर इसका ब्लोबैक इफेक्ट आएगा। ये जो इलेक्शन की जल्दी जा रहे हैं, साफ शफाफ इंतखाबात, अब हम बात कर लें तो 2018 में क्या नून लीग को साफ और शफाफ इंतखाबात मिले थे? जो आपकी गुफ्तगू शनीद है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो इल्जामात की बोछाड़ है, क्या उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपको साफ और शफाफ इंतखाबात मिलेंगे? मतलब जो आपकी जबान दराजी है इस हुकूमत वक्त के साथ, आपको लगता है आपको साफ और शफाफ इंतखाबात मिलेंगे? और मिल भी जाएँ तो ये अभी कराची में साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं मानने को तैयार ही नहीं है, धांधली अभी तक एक मुसीबत पड़ी हुई है। जब हम बल्दियाती इंतखाबात के आगे नतीजे को नहीं मानेंगे, हमारी जगह धांधली का रोना रोएंगे, और पीटीआई तो मजीद इसको हर चीज को कराची में बैड परफॉर्मेंस को पहले एडमिट करती है, फिर धांधली का इल्जाम लगाती है, फिर कोर्ट चली जाती है। मतलब इनको तो खुद नहीं पता कि क्या करना है। तो पहले तो ये थोड़े से जर्फ पैदा करें अपने अंदर, हार जीत होती है, इस मुल्क में ही होती है, जरूरी नहीं है कि पूरी कौम आपके साथ हो सकता है दो चार इनके साथ भी हो, उनको तो बोल लेने दीजिए क्या वोटर को नहीं देंगे। अगर इंतखाबात में धांधली होती है अपने लिए मुसीबतें पैदा करेंगे, अगर इस तरह का हैवॉक क्रिएट होगा तो इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे और हुकूमत के पास परफेक्ट आने वाला है। सवाल सुन लीजिए, देखिए जी ये तो ये कर रहे हैं, तो फिर आप हुकूमत को और मजीद देर करना चाहते हैं, आप बाकी नहीं चाहते वक्त पे इलेक्शंस हो, तो फिर बस बैठे रहे। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जब साथ नहीं बैठ सकते, जब मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए साथ नहीं बैठ सकते, तो फिर क्या करें? आपकी तकरीरें सुन लेते हैं, आप कौम से भी खिताब करते हैं, आप शहबाज शरीफ से भी खिताब कर लें, आप जरदारी साहब से भी खिताब कर लें, आप उनसे खिताब पर बात कर लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में आप जो कहेंगे उसके पास हो जाएगा, नहीं होगा। और आपके ऊपर ये इसका इफेक्ट आपके ऊपर ही आएगा, आपके इंतखाबात की जल्दी आपको ले डूबेगी। मेरा सना साहबा सवाल ये था कि अगर अगले इलेक्शन में धांधली करके इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाता है तो ये भी गलत उसी तरह ही होगा जिस तरह 2018 में हुआ था, ये नाइंसाफी नहीं होगी?
जी 2018 में जो हुआ था वो भी नाइंसाफ़ी है और आगे भी मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र तो नहीं आ रही। मुझे इस वक्त जो हमारी हुकूमत वक्त है उससे भी कोई इंसाफ की तवक्को तो नहीं की जा सकती। मतलब आप इतने कुछ से गुजरे हैं, आप में कोई ज़र्फ़ नाम की चीज़ पैदा हो जानी चाहिए थी ना। ये तो आला ज़र्फ़ी वाले लोग थे, वो कम ज़र्फ़ तो इमरान खान साहब था ना बकौल इनके। तो आप आला ज़र्फ़ी का थोड़ा प्रैक्टिस तो कीजिए। मतलब एक तरफ आप उनको बुला रहे हैं कि ए पी सी में आएँ, दूसरी तरफ आप उनके पार्लियामेंट लॉजेस में उनको पकड़ धकड़ कर रहे हैं। मतलब डजंट मेक सेंस यार, कोई और दिन रख लो। मतलब आप लोगों की जो ऑप्टिक्स हैं वो गलत है, जो आप कहना चाहते हैं वो गलत है। अगर आप इमरान खान साहब को एज ए विलन पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए, बाय ऑल मींस कीजिए। आप उनके खिलाफ आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। जाज़ुल हक़ साहब आपका, निहाल हाशमी साहब आपका और सना बुच्चा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।